क्लास 12th के प्रोज का द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर चल रहा था। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देखा, उसमें एएल बाशम ने ये बताया कि लंबे समय तक भारत की संस्कृति और सभ्यता तमाम बुराइयों में जकड़ गई थी गुलामी के कारण, और अब वो आगे चल पड़ी थी क्योंकि सुधार होने लगा था। फिर आगे, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशंट कल्चर, एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफेट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वॉट एवर द फ्यूचर मे बी द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन्स विल नॉट बी कन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फनेटिकल कल्चरल शोविनिज्म आर डी अपियरिंग। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, इरानियन, ग्रीक, रोमन, सिंथियन, टुर्किश, पर्सियन एंड अरब। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज्ड। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो हिंदू संस्कृति है या भारत की जो संस्कृति है वो किस तरह, उसके मूलभूत गुण क्या हैं और प्राचीन काल में क्या अच्छाइयाँ थी। तो कहते हैं, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशंट कल्चर। आज कुछ भारतीय तो ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी क्रीड यानी धार्मिक परंपरा को मानने वाले हों। हिंदू धर्म में भी विभिन्न ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग परंपराओं को फॉलो करते हैं, इसमें विभिन्नताएं बहुत अधिक हैं हिंदू धर्म में। जैसे कई जगह गांव में लोगों के अलग देवता हैं, कहीं जंगलों में, या कुछ लोग अलग तरीके से, तमाम तरीके से लोग फॉलो करते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आपको ऐसा करना ही है तभी आप हिंदू हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशंट कल्चर, कि जो प्राचीन संस्कृति है उस पर उन्हें गर्व नहीं है, वो उस पर बड़े गर्व की दृष्टि से नहीं देखते, उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं कि बेकार था सब कुछ पुराना। कुछ भारतीय तो ऐसे भी हो गए हैं, लेकिन दे आर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफेट एलिमेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं भारत में कि जो प्राचीन संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं छोड़ना चाहते उन अच्छाइयों को? सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, क्योंकि अगर उनको छोड़ देंगे तो इंडिया का विकास नहीं हो पाएगा, तो भारत का विकास हो सके और आगे बढ़ सके, इसलिए वो जो अच्छी बातें हैं प्राचीन संस्कृति की उसको वो अपनाए हुए हैं, मानते हैं। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। आज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत के सामने बहुत महान संकट है, कठिनाइयों का समय है, एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी। और भारत का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ये कोई बहुत निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे चल के भारत का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आज राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट भारत के सामने है। अब ये घटना, ये देखो, ये जब लिखा जा रहा है तो ये स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में ये चीज लिखी जा रही है, तो उस समय की बात कर रहे हैं। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वॉट एवर द फ्यूचर मे बी द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। लेकिन कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी करना बड़ा सुरक्षित है कि वॉट एवर द फ्यूचर मे बी, भविष्य कुछ भी हो भारत देश का, भारतीयों का, इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, कि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी भारतीयों की वो ऐसी नहीं होंगी कि बिल्कुल बिना सोचे समझे यूरोपियंस की कॉपी यानी नकल हो जाएं। तो ये इस बात का ये भविष्यवाणी कर रहे हैं एल बाशम की आने वाली पीढ़ियां हमारी अंग्रेजों की बिल्कुल नकल नहीं हो जाएंगी, उनकी कॉपी नहीं बन जाएंगी, बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। लेकिन ये भारतीय ऐसे होंगे कि ये अपनी संस्कृति में गहरे जड़ों से जुड़े होंगे, यानी अपने जड़ों से कटेंगे नहीं, ये अपनी संस्कृति को मानेंगे भी, जानेंगे भी, उसका सम्मान भी करेंगे, उसके प्रति जागरूक रहेंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फनेटिकल कल्चरल शोविनिज्म आर डिसअपियरिंग।
देखिए केवल 7 साल बीते हैं स्वतंत्रता के, और जो नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन था पूरे राष्ट्र में, जो एक हम लोगों के अंदर हीन भावना की भावना आ गई थी, बिल्कुल हीनता का बोध था कि हम बिल्कुल हीन हैं, पहले हम अरबों के गुलाम हुए, मुगलों के हुए, फिर बाद में अंग्रेजों के हुए, तो ये डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है। कल्चरल शोविनिज्म एक और था कि भाई बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा के बड़ा कि नहीं ये सब अच्छा ही अच्छा, कमियों को ना स्वीकार करना, ये भी बड़ी कमी है कि अपनी हर चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के ही देखें, यथार्थवादी रवैया नहीं था, तो कह रहे हैं वो भी खत्म हो रहा है। ये दोनों जो सनकपन था कि बिल्कुल हम या तो दबे कुचले एकदम बेकार हैं, सब हमारे पास खराब ही था, और या तो ऐसे कि सब हमारा अच्छा ही था, ये दोनों चीज़ें डिसअपियर हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं केवल 7 ही सालों में। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम ये विश्वास करते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, ये अपने उस दौर में चल रही है कि जब ये सिंथेसिस कर रही है, सबको एक दूसरे में मिला रही है। सिंथेसिस करना, चीज़ों को एक साथ जोड़ लेना, समाहित कर लेना, कह रहे हैं कि ये सबसे अपने उस समय में चल रही है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, इट हैज रिसीव्ड एडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स। प्राचीन काल में इसमें अलग अलग संस्कृतियों को पाया, उसको स्वीकार किया और डाइजेस्टेड यानी पचा भी गए अपने आप में। जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, इरानियन, ग्रीक, रोमन, सिंथियन, तुर्किश, पर्सियन, अरब, यानी ये सारे देशों के जो संस्कृति के लोग यहाँ आए, चाहे आक्रमणकारी के रूप में आए, चाहे व्यापारी के रूप में आए, इन सभी की संस्कृतियों को हिंदू संस्कृति ने अपनाया और उसको पचा गए अपने आप में। विद ईच फ्यू इन्फ्लुएंस इट हैज समवॉट चेंज्ड, और सभी के प्रभाव से कुछ ना कुछ भाई परिवर्तन तो आ ही गया। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और अब वेस्ट यानी पश्चिमी देश, जो मॉडर्न अंग्रेजी संस्कृति थी, इसको अब ये एसिमिलेट कर रही है, उस रास्ते पे चल रही है कि पश्चिमी संस्कृति को ज्यादा अपना रही है। अब ये मैंने पहले भी बताया था ये चीजें कि कैसे प्रभाव पड़ता है एक दूसरे का। जैसे मैंने बताया कि अपने भारतीय संस्कृति में, विशेषकर हिंदू धर्म में, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब कैसे आया, बलात्कार से बचाने के लिए महिलाएं सती होने लगी, इस तरह की परंपराएं आई, कई कमियां। और अब जैसे मॉडर्न में देखो ढेर सारी चीज़ें कि हम पहले लोग दाढ़ी मूछ रखते थे, या ज़्यादातर हिंदू नहीं रखते, टीका लगाते थे, नहीं रहा, पैंट शर्ट पहन रहे, पैंट शर्ट देखो वेस्टर्न ट्रेडिशन की चीज़ है, तो हम अब वेस्टर्न पे ज़्यादा प्रभावित, वो कह रहे हैं अब ज़्यादा बदल रहा है, वेस्टर्न चीज़ें लोग खाने लगे, मार्केट में निकलो तो देखो अब पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, फूड, फूड भी संस्कृति का एक हिस्सा हो जाता है। तो धीरे धीरे देखो ये अपनाते हुए ज़्यादातर वेस्टर्न चीज़ें चलने लगी, जीन्स सभी लोग पहनने लगे, पहले धोती कुर्ता था, प्राचीन काल में शिक्षक तो धोती कुर्ता उनका बिल्कुल एकदम पेटेंट ड्रेस हुआ करता था, अब बहुत ही रेयर कोई टीचर धोती कुर्ता पहन रहा, तो ज़्यादातर टीचर तुम्हें पैंट शर्ट तो छोड़ दो, जीन्स और टी शर्ट वाले मिल जाएंगे ढेर सारे, तो अब पश्चिमी को एसिमिलेट कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ही केवल संस्कृति का अंग नहीं है, संस्कृति बहुत गहरी चीज़ है जिससे सोच बनती है। तो कहते हैं कि चीज़ों को जरूर भारतीय संस्कृति अपनाएगी, लेकिन भारत की आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति को जानेगी भी, उससे कटेगी नहीं। हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारत एंड द रामायण एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुर्वाज एंड उर्वशी। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, वेयर अप्रेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्राउडेड, इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हम ये विश्वास करते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, जो हिंदू की जो सभ्यता संस्कृति है, ये अपनी कंटिन्यूटी को, क्रमबद्धता को बनाए रखेगी। हिंदू संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में एक है, ये जान लो भाई, इसकी जड़ें बहुत गहरी बिल्कुल सभ्यता के प्रारंभ तक चली जाती हैं, और अब भी मूल रूप में वो संस्कृति चली आ रही है। और आगे बताते हैं क्यों कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, भगवद गीता उन्हें हमेशा इंस्पायर करेगी, प्रेरित करेगी कर्म करने के लिए। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद जो हमारे ग्रंथ हैं, ये विचारवान व्यक्तियों को विचार करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी आने वाले समय में भी। यानी इन धर्म ग्रंथों की जो महत्ता है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आने वाले समय में भी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, और जो आकर्षण है
जो एक मर्यादा है भारतीय जीवन जीने के तरीका का, वो चलता रहेगा। हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के कुछ यंत्र आएंगे जो लेबर सेविंग यानी कि श्रम को बचाएंगे, श्रम कम लगे, मशीनें ऐसी आएंगी, चाहे जितनी आ जाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन जीने का तरीका चलता रहेगा। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण, लोग महाभारत और रामायण के जो हमारे नायक हैं उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते ही रहेंगे आने वाले समय में भी। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुर्वाज एंड उर्वशी, और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी, पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी लोग सुनना पसंद करेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, जो शांत और गंभीर जो आनंद है, जो मधुर आनंद भारतीय हिंदू संस्कृति का एक अंग रहा है, बार बार हमारे जीवन में ऑपरेशन ऑपरेशन यानी दबाव, दबाया गया, हम गुलाम हुए ना विदेशी आक्रमणकारियों ने, हमें बहुत ऑप्रेस किया, बड़ा कुचला हमको, डिजीज़ बीमारियां आई, रोग आए, पावर्टी निर्धनता भी आई, लेकिन हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, लेकिन उस शांत और समृद्ध जो हमारी प्रसन्नता है मूल भारतीय संस्कृति में, इसको पूरी तरह से ढका नहीं, इन तमाम नकारात्मक चीज़ों ने भी ढका नहीं, यानी मूल संस्कृति जो आनंद की संस्कृति है। देखो भारत में इसीलिए कहा था ना, यहाँ तो उत्सवों का देश है, हम बात बात पे आनंद मनाते हैं, तो ये चलता रहा मूल रूप में संस्कृति। इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट के हैक्टिक वेज, हैक्टिक वेज यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजना, बहुत ज़्यादा दिखावा वाला जो भोग विलासी संस्कृति है, ये सब भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी भारत का जो मूल स्वभाव है, एक शांत चित्त आनंद का स्वभाव, वो बना रहेगा भारतीय संस्कृति की, ऐसी आशा करते हैं राइटर। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ट, द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबेरियस हैकटोम्स ऑफ द वैदिक एज वे आर लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्नड ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, कास्ट इज वैनिशिंग, द प्रोसेस बिगैन लॉन्ग एगो बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपीयर्ड विद इन अ जनरेशन और सो, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इट सेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज ऑल्टरिंग बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। मच ऑफ दैट वॉज यूजलेस इन एंशंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ट, भारतीय संस्कृति में, जो प्राचीन संस्कृति में कई चीज़ें यूजलेस हो गई थी, अनुपयोगी हो गई थी, बेकार हो गई थी समय के साथ, ये तो पहले ही पेरिस्ट हो गई, सड़ गल गई, नष्ट हो गई, यानी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो थी वो फालतू चीज़ें, अनुपयोगी चीज़ों को अपने आप छोड़ते हुए आगे बढ़ गई, हिंदू संस्कृति की ये विशेषता। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबेरियस हैक्टोम्स ऑफ द वैदिक एज, अब जो वैदिक युग था उस समय जो ढेर सारे ऐसे परंपराएं थीं कि काफ़ी खर्चीले या बेकार की चीज़ें, ये सब अपने आप समाप्त हो गई हैं, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, लंबे समय हो गया कि उसको लोग भूल चुके। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, लेकिन अभी भी कुछ सेक्ट्स, सेक्ट्स यानी वही मैंने बताया कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग सेक्ट बटे हैं, लेकिन जो पशुओं की, पक्षियों की बलि है वो कुछ सेक्ट्स में अब भी चली आ रही है, हालांकि कई पुरानी ऐसी परंपराएं जो धार्मिक भी थी उनको हिंदू संस्कृति ने भुला दिया, छोड़ दिया। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्नट ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, विडोज यानी विधवाएं, बहुत लंबा समय हो गया कि हस्बैंड के पायर पे, हस्बैंड की चिता पर उनको जला दिया जाता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है, बहुत लंबे समय से बंद है, अब कोई विधवा जलती नहीं अपने पति के साथ। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, और लॉ कानून बन गया, अब भाई लड़कियों के, लड़कियों का विवाह आप बचपन में नहीं कर सकते, ये भी कानून बन गया। तो ये सब जो गंदी चीज़ें आ गई थी धीरे धीरे समाज में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, ये सब खत्म हो गई हैं। इन बसेज एंड ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, बसों में, ट्रेन में देखो तो ब्राह्मण हैं और एकदम निचले जातियों के लोग हैं, सब एक दूसरे से कंधे रगड़ रहे हैं, और किसी को ये चिंता नहीं है कि भाई हम पॉल्यूशन हो, हम अछूत है, मतलब अछूत है, इसको छूने से हम पोल्यूटेड हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे या ऐसा कुछ। तो देखो ये सब भी खत्म हो गया है, कहाँ कोई पूछता है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और भाई मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं,
मंदिर में कहीं भी जाइए पूरे संसार में, भारत तो छोड़िए पूरे संसार में, मंदिर आपके कोई जात ही नहीं पूछता। मैं तो भाई ये कई लोग कहते हैं ऐसा कि वहाँ जाति पूछे, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। गोत्र भले पूछा जाता है आपका संकल्प के लिए, जाति कोई नहीं पूछता, सभी के लिए मंदिर खुले हुए हैं। हाँ, कुछ मंदिरों में यह है कि कोई ब्रह्मचर्य वाले देवता है तो वहाँ औरतों का प्रवेश वर्जित है, और कहीं कहीं औरतों का प्रवेश है तो पुरुषों का वर्जित है। तो ये तो दूसरी समस्या है। दूसरे में जैसे कहीं औरतें अगर भाई किसी विशेष परिस्थितियों में हैं तो वहाँ पुरुष नहीं जा सकते। मान लो जैसे औरतों को कोई कमरा हो, विवाह ही हो रहा हो, वहाँ औरतें कपड़े वगैरह बदल रही हैं, तो उसमें भी पुरुष नहीं जाएंगे। इसी तरह कहीं पुरुष बैठे हों अपना आनंद मना रहे हैं तो वहाँ औरतों का प्रवेश वर्जित। तो ऐसे कुछ मंदिर भले हैं, लेकिन जाति के आधार पर किसी मंदिर में कोई भेदभाव नहीं। मैं लगभग पूरे भारत के मंदिरों को देख रहा हूँ, और ये तो तब लिख रहे हैं जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो कह रहे हैं सभी के लिए मंदिर भी खुले हैं, यानी कोई जाति के आधार पर भेदभाव है ही नहीं। कास्ट इज वैनिशिंग, और जाति का जो ये संकल्प है ये वैनिशिंग बिल्कुल विलुप्त हो रहा है, गायब होता जा रहा है। द प्रोसेस बिगैन लॉन्ग एगो, और ये प्रोसेस तो बहुत पहले शुरू हो गया था, बट इट्स पेस इज सो रैपिड नाउ, लेकिन अब इस जाति प्रथा के समाप्त होने का ये गति इतनी तेज हो गई है अब। मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और सो, कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी के अंदर बीतते बीतते ये जाति में जो बड़ा ऑब्जेक्शन होता था कि इसको छू लिया, वो अछूत, ये नीचा वो ऊंचा, ये बिल्कुल समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, और जो पुरानी परिवार की एक परंपरा चल रही थी भारत में हिंदू संस्कृति में, अब ये भी धीरे धीरे वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को ढाल रहे हैं। जैसे औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दे वर्दे में रखा जाने लगा था, वो भी पर्दे में रखने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं थी, बुर्का प्रथा ही, विदेशियों से बचाने के लिए उठा ले जाते थे, औरतों को बलात्कार करते थे, उनसे मर्यादा बचाने के लिए पर्दा प्रथा आई। प्राचीन काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, रामायण महाभारत देखोगे कहीं पर्दा तुम्हें नहीं दिखेगा। तो फिर बाद में रूढ़ी हो गई, तो समाज में बहुत ज़्यादा औरतों को ढक के रखना, बाहर नहीं निकले, ऐसा नहीं। अब देखो सब खुला है, हर परिवार वाले मौके देते हैं, कोई नई बहू आती है आज परिवार में, सभी लोग कहते हैं नहीं भाई अब उसको फ्रीडम दो, स्वतंत्रता दो, पहले बहुएं ही काम करती थी, अब सास हाथ बटाने लगी। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय संस्कृति मूल रूप में जो अच्छी चीज़ें समय के साथ आ रही हैं उनको भी अपनाते जा रही हैं, और जो पुरानी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेके चल रही हैं, और जो बुरी चीज़ें थी उनको छोड़ भी रही हैं तेजी से। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, और सच कहा जाए तो भारत का पूरा चेहरा ही बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपरा है वो अब भी चली आ रही है एंड विल नेवर बी लॉस्ट, और ये सांस्कृतिक परंपरा यानी जो मूल स्वभाव है ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। इस चैप्टर को पढ़ने से देखो काफ़ी अच्छी बातें, जो भ्रम पैदा हो गया है लोगों के मन में कि ऐसा ऐसा क्या संस्कृति में अच्छा या बुरा, कैसे चीज़ें आईं, उतना ज़्यादा चूंकि लोग कोई बताते नहीं बैकग्राउंड से, लोग अपनी पॉलिटिक्स के कारण चीज़ों को एक तरफा दिखाते हैं तुम्हें। जब अपना मस्तिष्क का प्रयोग करोगे, लॉजिक लगाओगे तो चीज़ों को समझ पाओगे, या पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ने की आदत डालोगे तो इन बातों को समझ पाओगे। काफ़ी अच्छा पाठ है, बड़ा छोटा सा और बहुत ही सुंदर पाठ है, तो इसको पढ़ो, इस पर विचार करो, इससे अच्छा मनुष्य बनने में भी सहायता मिलेगी। लिटरेचर हमेशा व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य बनाता है, इससे विचार क्षमता बढ़ती है, विचार करने की तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है, तुम देख पाते हो कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा, ये सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर भी तुम्हारे प्रोज का समाप्त हुआ। कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हो कमेंट करके, और क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग करते रहो, बोर्ड पेपर की दृष्टि से तैयारी करते रहो। धन्यवाद।